खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के रीवा में कोरोना कहर बरपाए रहा है। हालात यह कि यह कोरोना जो है अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा है। कहे कि रीवा में 118 नए संक्रमित का मामला सामने आया है, जहां सांसद सहित विधायक तक ये कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हालात यह कि अब यह 1000 के आंकड़ा छुए वाला है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम कनेश तिवारी अपना पंजीयन का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी खबर के, जहां प्रोजेक्ट बताया दी रीवा जिला में कोरोना की तीसरी लहर जो है कहर बरपाव शुरू कर दी थी। यह संक्रमण सबसे पहले अधिकारी अफसरों के घरे शुरू हुई के चिकित्सकन तक पहुंचा, अब जनप्रतिनिधि का चपेट में इलाज है। 23 जनवरी का आई रिपोर्ट में रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल समेत 118 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिला में एक्टिव केस 1000 के करीब पहुंच चुके हैं। प्राप्त चिकित्सक बताया दी 23 जनवरी का 1502 संदिग्धन की जांच की। इनके जनवरी माह में बीते 23 दिन में जिला में कुल 1384 संक्रमित मिल चुके हैं। 23 जनवरी का मिले 118 पॉजिटिव के बाद जिला में एक्टिव मरीजन की संख्या 993 हो गई। वहीं अब तक 391 मरीजन की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा राहत के सांस ली गई। प्राप्त चिकित्सक बताया दी रीवा CMHO डॉक्टर BL मिश्रा की कहा है कि रविवार का शहर में 46 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र गोविंदगढ़ में 21, नईगढ़ी में 6, गगेव में 1, रायपुर का चुलियान में 13, मऊगंज में 6, हनुमाना में 2, जवा में 1 कोठे नहीं और देवथर में 2, सिरमौर में 21 कोविड पॉजिटिव मिले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। रविवार का सिर्फ जवा में राहत दिखा नहीं, गोविंदगढ़ और सिरमौर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा केस मिले हैं। तो समझे लाइक बात यह ही कि यह कोरोना खत्म नहीं भाए। यदि हम अपना पहला और दूसरा लहर का खात्मा होए के बाद खूब निसोच हुई तो बिल्कुल निसोच न हुई। काहे कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा अभी हमारे पिछन के इर्द गिर्द है। ऐसे काहे कि अभी जल्दबाजी में लोगन के ये लागत है कि खूब केस आवल है, लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाए लागे, कौन खतरा नहीं आए। किंतु एक बात जान ली कि यदि अबे अपना जल्दबाजी कह रहे हैं और लापरवाही कह रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर आगामी दिनों में यह आत्मघाती कदम हुई। कहे कि एकर ओमिक्रॉन के जो वेरियंट लोग सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पर ओके बारे में अभी वैज्ञानिक तक नहीं जान रहे हैं कि यह शरीर में कितना नुकसान पहुँचा रहा है, कितना एकर आगामी दिनों में एकर का नुकसान हुई। तो ऐसे बिल्कुल नियमन के पालन करी जौने से अपना अपना के परिवार सुरक्षित रह सके। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।